तो कुल मिलाकर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देशभर में पूजा अर्चना और दुआओं का दौर जारी है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने भी चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए व्रत रखा है। ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं वर्क की। चंद्रयान 3 आज शाम को चांद पर उतरेगा, जिससे हमारे देश का नाम जो पूरा दुनिया में तो था ही और अधिक बढ़ेगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ेगा, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ेगा, चांद पर भी बढ़ेगा और पूरी दुनिया बढ़ेगा। इससे वास्तव में मैं भी प्रार्थना करता हूँ, पूरा देश प्रार्थना आज कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, सीमा और सचिन ने व्रत भी रखा इस अवसर पर और वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भारत इतिहास रचने के चंद कदम दूरी पर है और अब वो घड़ी दूर नहीं जब हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जय हिंद का उद्घोष होगा। भारत के अब तक 3 चंद्रयान जो हैं आगे बढ़े हैं। चंद्रयान 1 चांद पर खोजा पानी, तीनों ने अलग अलग रोल यहां पर निभाया है, लेकिन चंद्रयान 1 की बात करें तो उसने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान 2 ने मंजिल के पास पहुंचा, 95% वो सफल भी हुआ। चंद्रयान 3 आज वहां उतरेगा जहां कोई नहीं पहुंचा है। बड़े बड़े देशों के मिशन भी फेल हो गए हैं। चंद्रयान 3 क्या क्या करेगा ये भी देख लीजिए। चांद पर रहने लायक स्थिति है या नहीं, ऑक्सीजन और पानी की खोज के लिए वहां पर चंद्रयान 3 जा रहा है। चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं, चांद की चट्टानों में मैग्नीशियम कैल्शियम की खोज, लोहे और कई दुर्लभ खनिजों की खोज करेगा। सतह पर पानी, नमी और मिट्टी की रासायनिक जांच, द्रव्य रूप में हीलियम के विशाल भंडार की खोज करेगा। तो ये देखिए क्यों आखिर चंद्रयान 3 चांद पर जा रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है, ये 3 अहम मकसद हमने आपको बता दिए।